दोस्तों, मेवात इलाके का गांव नंदेरा आजकल चर्चाओं में बना हुआ है। दरअसल चर्चाओं में रहने की वजह यह है कि कामा विधानसभा से विधायक जायदा खान का काफिला रोक करके गांव की महिलाओं ने उनसे सवाल दागने शुरू कर दिए कि हमने आपको विधायक बनाया, लेकिन विधायक बनने के बाद आपने नंदेरा गांव में कितना विकास कराया है आज हमें बताइए, क्योंकि नंदेरा गांव के जो रास्ते हैं वो पूरी तरीके से टूटे फूटे हुए हैं और रास्तों में पानी भरा हुआ है। बस इसी को लेकर के अब बड़ी खबर ये आ रही है कि नंदेरा गांव की जिन महिलाओं ने जायदा खान विधायक के काफिले को रोका था, अब उनके मकान को तोड़ा जाएगा। जी हां, आपको बता दे कि हाल ही में जायदा खान जो विधायक है कामा विधानसभा से, वो नंदेरा गांव में एक राजकीय बालिका आवास जो सरकारी स्कूल है उसका उद्घाटन करने पहुंची, और उद्घाटन करने के बाद जब वो वापस नंदेरा गांव से निकल रही थी तभी गांव की महिलाओं ने उनके काफिले को रोक दिया, उनकी गाड़ी के सामने खड़े होकर के उनसे सवाल पूछे कि जिस रास्ते से आप गुजर रही हैं आपने देखा कि उस रास्ते में कितना पानी जमा हो रखा है, कितनी गंदगी है, आने जाने वाले लोग पूरी तरीके से परेशान रहते हैं। लेकिन मजाल है कि अभी तक हमारे गाँव में कोई विकास हुआ हो। आखिरकार हमारे गाँव के साथ इतना भेदभाव क्यों यहाँ पे हो रहा है, क्यों इसका शोषण किया जा रहा है, क्या हम लोगों ने आपको वोट नहीं दी थी? ये सारी बातें गांव की महिलाओं ने विधायक जायदा खान से पूछी। बस उसके बाद में उनसे हाथ हिलाकर के जायदा खान आगे निकल गई, और अब जब बात विकास की हो रही है तब उन महिलाओं के घरों को तोड़ने की बातें भी हो रही हैं जिन्होंने उस काफिले को रोका और जायदा खान विधायक से सवाल पूछे। हालांकि इससे पहले भी चर्चा ये है कि अगर कोई कामा विधानसभा से विधायक जायदा खान से सवाल करता है तो उसकी आवाज दबा दी जाती है, और अब जब लोग इस तरीके के सवाल कर रहे हैं तो जायदा खान का कहना ये है कि हम लोग विकास करा रहे हैं, जो रास्ते सुखड़े हुए हैं उनको चौड़ा करा रहे हैं, और जिनके मकान उन सड़कों पर आए हुए हैं, उन रास्तों में आए हुए हैं, उनको हटाना लाजमी है। जब वो मकान टूट जाएंगे तभी सड़क का चौड़ीकरण होगा, तभी विकास होगा, और तभी रास्ते की साफ सफाई हो सकती है। लेकिन गांव के लोगों का कहना यह है कि ऐसा नहीं है, ये तो वो है जब हम लोगों ने जायदा खान विधायक के काफिले को रोक करके उनसे सवाल पूछे तो उसकी दुश्मनी हमसे निकाली जा रही है। खैर, इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बच्चा पढ़ने को जावे नमाज़ी नमाज़ी।